देश के पांचवे और महाराष्ट्र के नंबर एक अखबार समूह लोकमत के 100 साल पूरे होने पर नागपुर में प्रोफेशनल आइकन्स ऑफ विदर्भ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की लोकमत की इस पहल में महाराष्ट्र और देश को दिशा देने वाले लोगों से संबंधित कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बाबा रामदेव ने लोकमत की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों के मत के अनुसार लोकमत लगातार काम कर रहा है। विदर्भ के गौरव के रूप में, आइकॉन ऑफ विदर्भ के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। मैं आपका पुनः हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और लोकमत जो लोक के मत के अनुसार चलता है उनको भी एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की। विदर्भ और संतरा नगरी नागपुर में पतंजलि के उद्योग शुरू करने को लेकर रामदेव ने उम्मीद जताई कि अक्टूबर के पहले विदर्भ में 800 टन संतरे के जूस का काम शुरू हो जाएगा और नागपुर ऑरेंज के इस जूस को सस्ते दाम पर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। लोकमत के मंच पर उन्होंने ऐलान किया कि दीपावली तक वह गाय का दूध भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा उनसे नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए अच्छे काम के वादे पर भी सवाल किया गया, जिसका उन्होंने पहले समर्थन किया था। इस सवाल से किनारा करते हुए बाबा रामदेव ने कहा, अच्छे दिन सुबह सुबह योगा करने से आएंगे। विदेशी कंपनियों को लेकर रामदेव ने कहा कि मेरा उद्देश्य विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना है। मैंने कोलगेट का आधा गेट बंद कर दिया है। इस दौरान बाबा रामदेव ने लोगों को योगासन के गुर सिखाए और स्वस्थ रहने के लिए उनसे खाने पीने को लेकर ध्यान देने की जरूरत पर जोर देने को कहा।